बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने ICS पार्ट 1 की बुक के चैप्टर नंबर 10 का ओवरव्यू देखा था कि हम इस चैप्टर में किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेंशन में से एक इन्वेंशन इंटरनेट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यकीनन मेरी तरह आप लोगों के जहनों में भी ये सवाल आता होगा कि क्या शुरू से ही लोग इसी तरह घर बैठे एक दूसरे से कनेक्ट थे। एक मुल्क में बैठा हुआ इंसान, हत्ता के एक छोटे से एरिया में बैठा हुआ इंसान पूरी दुनिया में क्या हो रहा है इससे बाखबर था। दूसरे मुल्कों में रहने वाले अपने अजीजों अकारिब से इसी तरह वीडियो कॉल के जरिए घंटों का फासला मिनटों में तय कर लेते थे। जिन बुक्स को आपको लाइब्रेरीज में ढूंढने में घंटों लग जाते थे, वो मालूमात आप गूगल पर सेकंड्स में ढूंढ सकते थे। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि इन तमाम चीजों की शुरुआत कैसे हुई, वर्ल्ड का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था, उसे किसने बनाया था और किस मकसद के लिए बनाया गया था, और फिर उस एक नेटवर्क से किस तरह इंटरनेट वजूद में आया। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बहुत सी नई नई मालूमात को जानते हुए आपके सिलेबस में मौजूद टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के टॉपिक को कवर करने की। दोस्तों, आप लोगों को ये जानकर हैरत होगी कि 1960 से पहले के जो कंप्यूटर्स थे उनमें इंटरनेट फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए फ्लॉपी डिस्क वगैरह इस्तेमाल की जाती थी। एक मुल्क में बैठा हुआ इंसान, हत्ता के एक सिटी में बैठा हुआ इंसान दूसरे सिटी में मौजूद अपने अजीजो अकारिब से खतों के जरिए बात करता था। फिर 1969 में इंटरनेट की शुरुआत हुई जब यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक छोटा सा नेटवर्क बनाया जिसका मकसद था बिना फ्लॉपी डिस्क के डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके, क्योंकि आमतौर पर मिलिट्री का डाटा के लिए बहुत सिक्योरिटी की जरूरत होती थी और फ्लॉपी डिस्क के चोरी हो जाने या खराब हो जाने की सूरत में बहुत बड़ा नुकसान हो जाने का खतरा था। तो इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी डार्पा ने स्पॉन्सर्ड किया एक प्रोजेक्ट जिसका नाम रखा गया आर्पानेट। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का यानी आर्पानेट का मेन मकसद था कि यूएस के मिलिट्री ऑफिसेज में जितने कंप्यूटर्स थे और यूएस की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स, ये सब आपस में कम्युनिकेट कर सके। फिर 1971 में आर्पानेट ने मजीद इस नेटवर्क को बढ़ाया और अब 20 साइट्स आपस में कनेक्ट हो गई थी। और फिर इस नेटवर्क को यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स इंजीनियर्स ने इतना यूज किया कि 1981 में 200 साइट्स इस नेटवर्क से कनेक्ट हो गई थी। और दोस्तों, ये नेटवर्क जो है वो तेजी से ग्रो करने लग गया था। और फिर 1980s के मिड में NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन ने अपना एक हाई कैपेसिटी का नेटवर्क बनाया जो कि एकेडमिक रिसर्चर्स के लिए बिल्ड किया गया था। ये था टर्निंग पॉइंट जब मिलिट्री के लोगों के अलावा भी आम कंट्री के लोग भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे। और इसीलिए दोस्तों, फिर जरूरत पड़ी इन तमाम अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़ने की, जिसकी वजह से जरूरत पड़ी प्रोटोकॉल्स की ताकि तमाम कंप्यूटर्स आपस में एक ही लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सके। और फिर 1983 में बनाया गया TCP/IP प्रोटोकॉल जिसके जरिए अब अलग अलग नेटवर्क और अलग अलग कंट्रीज में मौजूद कंप्यूटर्स एक ही स्टैंडर्ड के जरिए आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे। इससे हुआ क्या, बहुत सारे लोग तेजी से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो गए। इस तरह एक नेटवर्क का बंदा बा एक नेटवर्क का एम्प्लॉय, एक नेटवर्क का पर्सन बा आसानी दूसरे नेटवर्क के पर्सन से बात कर सकता था। और इसी बंच ऑफ नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के नाम को कहा गया इंटरनेट। और दोस्तों, फिर 1990s के बाद से ये इंटरनेट का वर्ड इतना पॉपुलर हो गया कि अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट मॉनिटरिंग सोसाइटी अब मोर देन 100 मिलियन कंप्यूटर इसके जरिए आपस में कनेक्ट हैं। तो दोस्तों, इसीलिए इंटरनेट को 1990s की सबसे बड़ी इन्वेंशन कहा जाता है, क्योंकि इसके जरिए दुनिया सिमट सी गई है, एक ग्लोबल विलेज बन गई है, ग्लोबल विलेज की मानिंद हो गई है। जिस तरह गांव देहातों में लोग एक दूसरे की जिंदगी से बाखबर रहते हैं, इंटरनेट के जरिए भी लोग इसी तरह एक मुल्क में बैठकर तमाम दुनिया के हालात से वाकियात की खबर रखते हैं। बल्कि अब तो लोग
मॉर्निंग न्यूज़पेपर भी इंटरनेट से ही पढ़ते हैं। इसके जरिए अलग अलग कंपनीज के लोग इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स के जरिए बड़े बड़े डिस्कशंस देते हैं, बड़े बड़े डिसीजन देते हैं। आप घर बैठे ना सिर्फ अपनी मालूमात में इजाफा कर सकते हैं बल्कि घर बैठे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन भी ले सकते हैं, घर बैठे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और हद तक डिग्रीज भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों घर बैठे अलग अलग मुल्कों से खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, लोग अलग अलग मुल्कों से पार्टनर्स बना सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को सारी दुनिया में सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन एयरलाइन टिकट्स बुक करवा सकते हैं। अगर आपको कोई मसला लाहक है, चाहे वो एजुकेशनल पॉइंट से हो, रिसर्च से हो, घरेलू हो, मुआशी हो, बल्कि दुनिया के हर शोबे से मुताबिक इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये चंद कंप्यूटर से मिलकर बनने वाला नेटवर्क इतना ग्रो हो गया कि अब इंटरनेट के बगैर हमारा दिन काटना मुश्किल हो जाता है। इन शॉर्ट, इंटरनेट के बगैर कोई शोभा तरक्की के मराहिल तय नहीं कर सकता, इसीलिए इसको ग्लोबल एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग इसकी वजह से आपस में कनेक्ट हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इंटरनेट के बारे में हम जितना कहें वो कम है। यहाँ पर हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं और आज आपको पता लग गया होगा कि ये जो इंटरनेट का वर्ड आपको हर जगह नजर आ रहा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इंटरनेट काम किस तरीके से करता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।